मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार रविवार को मुंगेर जिले के 6 ओपी को थाना में उत्क्रमित बनाए जाने को लेकर सफियासराया थाना का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुंगेर जिला के 6 ओपी आज से थाना में बदल गई है। जिले के सफियासराया, हेमजापुर, वासुदेवपुर, पूर्वसराया, श्यामपुर और टेटिया बंबर ओपी आज से थाना बन गया। जनहा आज इन सभी ओपी का थाना में तब्दील किए जाने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में डीआईजी संजय कुमार ने सफियासराया थाना का फीता काटकर उद्घाटन किया। जनहा उद्घाटन से पहले डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस जवानों द्वारा दी गई। इस मौके पर एसपी सैयद इमरान मसूद, सफियासराया थानाध्यक्ष अमरेश कुमार मौजूद थे। इस मौके डीआईजी संजय कुमार ने कहा कि बिहार में 176 ओपी थे जो कई वर्षों से ओपी के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें थाना में उत्क्रमित किया गया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में मुंगेर जिले के 6 ओपी को थाना बनाए जाने के बाद विधिवत उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा जिले जहां जहां ओपी थे वो आज से थाना के रूप में कार्य करेगी। सभी ओपी थाना बन जाने के बाद सारे कार्य थाना के रूप में करेंगे। इन थाना में आज से अपना एफआईआर बुक होगा। उन्होंने कहा ओपी थाना में उत्क्रमित हो जाने से विधि व्यवस्था, अनुसंधान और गश्ती के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। तो मैं बता दूं कि पूरे बिहार में 176 जो ओपी थे, जो कई वर्षों से ओपी के रूप में कार्यरत थे, तो पूरे 176 ओपी को थाना में उत्क्रमित किया गया है और उनका आज विधिवत उद्घाटन पूरे बिहार में हो रहा है। इसी क्रम में मुंगेर जिले के जो 6 ओपी हैं, 6 में आपका सफियासराय, हिमजापुर, पूर्वसराय, वासुदेवपुर, 4 इधर सदर मंडल के हो गए और 2 उधर टेटिया बमपुर और श्यामपुर, ये खड़गपुर और तारापुर साइड के हैं। कुल 6 का उद्घाटन किसी न किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे और एसपी साहब के द्वारा किया जा रहा है, कहीं पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी अन्य ओपी में कर रहे हैं। तो आपने कहा कि कैसे इसका ये होगा, तो ये ओपी अभी तक के इंडिपेंडेंट रूप से काम तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एफआईआर जो होते थे, जो पब्लिक का पिटिशन आता था, उसके एफआईआर यहाँ के पेरेंट पीएस जो रामपुर थे उसमें हो रहे थे। तो अब जब थाना के रूप में उत्क्रमित हो गया है, तो अब किसी पेटिशंस को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है और ओपी में ही एफआईआर रजिस्टर होगा। इसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। आज से इसका अपना स्टेशन डायरी होगा, आज से इसका अपना एफआईआर बुक होगा, इसका सभी अनुसंधानक यहाँ के अपने स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करने के लिए होंगे। इसका फाइनल फॉर्म भी यहीं से, केस के अनुसंधान के जो अंतिम प्रपत्र है, सब कुछ यहीं से कटेगा। तो अब उत्क्रमित हो जाने के बाद इससे दूसरा बड़ा फायदा होगा कि ये ओपी पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से, चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे विधि व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे गश्ती पेट्रोलिंग के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अब इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। और जो रामपुर पीएस, इसका पेरेंट पीएस था, उससे अब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो और इसके नए थाना के रूप में उत्क्रमित हो जाने से, अधिसूचित होने के बाद सरकार के स्तर से संसाधन भी इसको इंडिपेंडेंट रूप से मिलेंगे। अभी तक जो मिलता था नया रामनगर थाना के नाम पर मिलता था, उसी में से सफियासराय ओपी को भी दिया जाता था। अब है कि ये जब अधिसूचित हो गया, तो जो भी अलॉटमेंट होगा, चाहे वाहन के अलॉटमेंट हो, बल का अलॉटमेंट हो, सब स्वतंत्र रूप से होगा। तो एक तरीके से, पूरे तरीके से स्वतंत्र यूनिट के रूप में ये स्थापित हो गया है और आज से कार्य करना शुरू कर देगा।